हेलो एवरीवन, बेटा आज हम करेंगे फोर्थ लेक्चर फिफ्थ यूनिट प्लस टू क्लास की सरफेस केमिस्ट्री का। और आज का हमारा टॉपिक है कोलाइडल स्टेट ऑफ मैटर। मैटर की एक नई विशिष्ट प्रॉपर्टी के बारे में हम पढ़ेंगे और इसे हम बोलते हैं उसकी कोलाइडल स्टेट के नाम से। तो कोलाइडल स्टेट क्या होती है, इन चीज़ों को और कोलाइडल स्टेट से संबंधित और जो उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, इन सब बातों को आज हम करने वाले हैं। तो कोलाइडल स्टेट का जो नाम है, इसकी शुरुआत होती है इन 1861 जब एक साइंटिस्ट थॉमस ग्राम नाम का एक एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। और अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर ही इज ऑब्जर्विंग, वो क्या करता है, क्या ऑब्जर्व करता है, ही ऑब्जर्व रेट ऑफ डिफ्यूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सोल्यूट थ्रू सेल मेम्ब्रेन। 1861 के अंदर थॉमस ग्राम नाम का एक साइंटिस्ट एक एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है बाय यूजिंग डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंसेस, अलग अलग चीजों को लेकर, जैसे जिलेटिन, स्टार्च, गम, रबर, इस तरह के अलग अलग चीजों को लेकर के कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा था। और एक्सपेरिमेंट का जो बेस था वो था रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। इसे हम कैसे समझेंगे, इसे हम समझ लेते हैं, मान लेते हैं ये सॉल्यूशन बनाया, ये इसमें सॉल्वेंट हो गया और इस सॉल्वेंट के अंदर हमने सब्सटेंसेस को मिलाया तो ये एक सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो गया। दीज डॉट्स आर रिप्रेजेंटिंग द सॉल्यूट पार्टिकल्स, ये सॉल्यूट पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो सॉल्यूशन जो बन गया है, इस सॉल्यूशन का रेट ऑफ डिफ्यूजन देखा जा रहा था थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। ये बीकर हो गया, इस बीकर को हमने एक सेल मेम्ब्रेन से पार्टीशन कर दिया, यानी कि इसके बीच में एक सेल मेम्ब्रेन को लगा दिया, दिस इज सेल मेम्ब्रेन। और एक तरफ में रखा सॉल्यूशन ऑफ वेरियस टाइप ऑफ सब्सटेंसेस, क्या क्या होता है, लाइक स्टार्च, गम, जिलेटिन, सॉल्ट, यूरिया एक्सेट्रा, इस तरह की चीजों को लेकर के उसने सॉल्यूशन बनाया। और सॉल्यूशन बनाने के बाद में वो उनका रेट ऑफ डिफ्यूजन देखता है। तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में से जो इस सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं, इन सॉल्यूट पार्टिकल्स का सेल मेम्ब्रेन में से डिफ्यूजन देखा जाता है। डिफ्यूजन का मतलब क्या था, जिसे हम ऑस्मोसिस बोल रहे थे। तो ऑस्मोसिस का जो काम होता है वो होता है विद सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। मेक दिस पॉइंट क्लियर कि डिफ्यूजन वर्ड हम यूज कर रहे हैं, लेकिन सेल मेम्ब्रेन जब हम यूज करते हैं वहां वर्ड आता है हमारा ऑस्मोसिस का। तो ऑस्मोसिस वर्ड जब हम यूज करते हैं तो उस वक्त बात होती है सॉल्वेंट को लेकर, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, ये बात होती है। लेकिन अब हम बात डिफ्यूजन की कर रहे हैं, ऑस्मोसिस की नहीं कर रहे। तो डिफ्यूजन की जब बात आ गई तो सॉल्यूट पार्टिकल्स का डिफ्यूजन, यानी कि सॉल्यूट पार्टिकल्स सेल मेम्ब्रेन में से पास होंगे या नहीं होंगे, और होंगे तो उनकी स्पीड क्या होगी, उनका रेट क्या होगा, दिस वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट। सॉल्यूशन में से जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं जब वो सेल मेम्ब्रेन में से निकलेंगे तो उनका रेट क्या होगा, उनकी स्पीड क्या होगी, और दूसरा पॉइंट था वो उसमें से पास होंगे या नहीं होंगे, दिस वाज हिज ऑब्जेक्ट। तो पॉइंट किस पर कंसंट्रेटेड था, सब्सटेंसेस के ऊपर था, सॉल्यूट पार्टिकल्स के ऊपर कंसंट्रेटेड था। देन ही फाउंड दैट, उसने देखा कि सम सॉल्यूट पार्टिकल्स, सम सब्सटेंसेस, दे पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन व्हाइल सर्टेन अदर्स डू नॉट पास। तो पॉइंट सर्वे को लेकर के, सब्सटेंसेस को लेकर, चीजों को लेकर के चल रहा था जिनका उसने सॉल्यूशन बनाया था। तो वो कुछ उसमें से सेल मेम्ब्रेन में से पास होती है और कुछ सेल मेम्ब्रेन में से पास नहीं होती। दीज सब्सटेंसेस ऑन हिज मेथड ऑफ स्टडिंग क्लासिफाइड द सब्सटेंसेस इनटू टू कैटेगरीज, दो भागों में उसने डिवाइड किया, दे आर नोन एज क्रिस्टलॉइड्स, क्रिस्टलॉइड्स एंड कोलाइड्स या कोलोइड्स। तो उसने सब्सटेंसेस को दो पार्ट में डिवाइड किया, क्रिस्टलॉइड्स एंड कोलोइड्स।
क्रिस्टलोइड्स उसने उन सब्सटेंसेस का नाम दिया जो विच आर फाउंड इन क्रिस्टलाइन फॉर्म, जो क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाए जाते हैं इन नेचर, नेचुरल फॉर्म में ये क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल सुगर चिन्नी को आपने देखा है सॉलिड फॉर्म में होती है, सॉल्ट आपने देखा है सॉलिड फॉर्म में होता है, और यूरिया भी आपने देखा होगा ये सॉलिड फॉर्म में होता है, दैट इज दे आर इन क्रिस्टलाइन फॉर्म, नेचुरली दे आर इन क्रिस्टलाइन फॉर्म, दे डिजोल्व इन वाटर। तीन प्रॉपर्टीज यहाँ हमारे को मिलेंगी क्रिस्टलॉइड्स के बारे में, एक तो ये कि वो क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर मिलेंगे, नेचुरल दे आर इन क्रिस्टलाइन फॉर्म, सेकंड पॉइंट क्या होगा दे डिजोल्व इन वाटर, और थर्ड पॉइंट क्या होगा इसके अंदर कि आफ्टर डिजोल्विंग दे पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, जो सॉलिड पार्टिकल्स लेके वो सेल मेम्ब्रेन में से पास कर जाते हैं, क्रॉस कर जाते हैं, डिफ्यूजन का काम करते हैं। तो ऐसे जो सॉल्यूशन ऐसे सब्सटेंसेस को उसने नाम दिया क्रिस्टलॉइड्स के नाम से। इसका अपोजिट जो हो जाएगा वो हो जाएंगे कोलाइड्स। फॉर एग्जाम्पल अब ये कैसा हो गया इन क्रिस्टलाइन फॉर्म, और ये कैसे हो जाएंगे इन लिक्विड फॉर्म, यानी कि सॉलिड फॉर्म में नहीं होगी तो फिर क्या बचेगा लिक्विड फॉर्म। तो लिक्विड फॉर्म में हो गया लाइक स्टार्च, गम, जिलेटिन, ये चीजें होगी हमारे इन नेचुरली दे आर इन लिक्विड फॉर्म और विस्कस फॉर्म, तो दे आर नॉट इन क्रिस्टलाइन फॉर्म। व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर दे फॉर्म्स द सॉल्यूशन बट their particles do not diffuse through the cell membrane, cell membrane में से particles pass नहीं होते हैं, तो इनका नाम क्या दिया उन्होंने colloids। मतलब common point क्या रहा इनके अंदर कि दोनों को ही जो पानी mix किया जाता है तो solution बनाते हैं, लेकिन point of difference is they are crystalline in form, they are liquid in form और non-crystalline in form, they pass through the cell membrane, they do not pass through the cell membrane। This was his method of classifying the substances in two categories। तो थॉमस ग्राम ने सब्सटेंसेस को इस पॉइंट इन पॉइंटों के आधार पर दो भागों में डिवाइड किया, बट सून इट वाज फाउंड दैट अ सेम सब्सटेंस मे एक्ट एज बोथ क्रिस्टलाइड एंड इन कोलाइडल फॉर्म। एक ही चीज जो है आगे आने वाले समय में बताया कि एक ही जो चीज है वो कोलाइड के फॉर्म में भी हो सकती है और क्रिस्टलॉइड फॉर्म के अंदर भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि वो किस सॉल्वेंट के अंदर मिलाने पर उसका बिहेवियर बदलता है। एज एन एग्जाम्पल हम बात करें, एक एग्जाम्पल लेकर, फॉर एग्जाम्पल व्हेन NaCl इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, जब नमक को पानी के अंदर मिलाया जाता है देन इट बिहेव्स लाइक क्रिस्टलॉइड, बट व्हेन दिस NaCl इज मिक्स्ड इन बेंजीन, जब बेंजीन के अंदर इसका सॉल्यूशन बनाया जाता है then it behaves like colloid, colloid के form में काम कर रहा है। ये तो point है यहाँ पर जिसके अंदर एक ही चीज depending upon the state जिसमें mix किया जा रहा है, depending upon the nature of solvent जिसमें mix किया जा रहा है, may behave differently, अलग अलग रूप से काम कर सकता है। You will find a question of this point based। Another question, एक और example अगर हम लें, dilute soap solution, डायल्यूट सॉप सॉल्यूशन जो होता है, यानी कि जब सॉल्यूशन के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स आर इन लेस क्वांटिटी, पानी के अंदर जब साबुन के मॉलिक्यूल कम होंगे दे बिहेव एज सॉप मॉलिक्यूल्स, दे बिहेव एज क्रिस्टलॉइड्स, यानी कि ये सेल मेम्ब्रेन में से पास कर जाते हैं। बट व्हेन कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सॉप इज टेकन, लेकिन कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ले लिया देन इट बिहेव्स लाइक कोलॉइड्स, यानी कि अब यही सॉप मॉलिक्यूल्स सेल मेम्ब्रेन में से पास नहीं करेंगे। सो इट इज द स्टेट ऑफ द सब्सटेंस ऑफ द स्टेट ऑफ द सब्सटेंस ऑफ द सॉल्वेंट मीडियम व्हिच डिसाइड्स वेदर पर्टिकुलर सब्सटेंस विल एक्ट एज कोलाइड और क्रिस्टलॉइड। लेटर ऑन द सब्सटेंसेस दे वर क्लासिफाइड इनटू थ्री कैटेगरीज, जो सब्सटेंसेस हैं इनको तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया बेस्ड ऑन बाद में। अब पहले जो क्लासिफिकेशन था दैट वाज बेस्ड बाय थॉमस के द्वारा जो क्लासिफिकेशन था उसके आधार पर कोलाइड और क्रिस्टलॉइड किया, लेकिन कुछ एग्जांपल्स ने प्रूव किया कि एक ही चीज दोनों काम भी कर सकती है, तो इसका मतलब द मेथड ऑफ क्लासिफाइंग वाज नॉट करेक्ट। इट वाज इन लेटर एक्सपेरिमेंट्स फाउंड दैट सब्सटेंस स्टेट मे बी क्लासिफाइड इनटू थ्री फॉर्म्स, चीजों को तीन प्रकार में बदल सकते हैं, सब्सटेंसेस जो होते हैं उनको तीन फॉर्म में
डिवाइड कर सकते हैं और तीन फॉर्म जो है दे आर नोन एज ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। सो व्हाट वाज द पॉइंट ऑफ क्लासिफाइंग सब्सटेंस इनटू दिस थ्री टाइप। तो यहां क्लासिफिकेशन का सब्सटेंस जो एग्जांपल हमने किया स्टार्च यूरिया वगैरह, तो उनको इन तीन टाइप में क्लासिफाई करने का तरीका क्या था, वो पॉइंट क्या रहा, दैट वाज साइज ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स की साइज को ध्यान में रख करके सब्सटेंसेस के तीन पार्ट बनाए। ट्रू सॉल्यूशन के अंदर उन पार्टिकल्स को लिया गया विच वर हैविंग द साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, या सब्सटेंसेस की जो साइज है सॉल्यूशन के अंदर जब हो जाती है लेस देन 1 नैनोमीटर। लेस देन 1 नैनोमीटर का मतलब हो गया बहुत छोटी साइज होगी, इट इज वेरी और स्मॉलेस्ट साइज ऑफ द पार्टिकल, ये हो गया। अगर हम इसको मीटर में बात करना चाहें तो ये साइज हो जाएगी लेस देन 10^9 मीटर, और एंगस्ट्रॉम्स में अगर बात करना चाहें तो लेस देन, इट इज लेस देन 10 एंगस्ट्रॉम। ये कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर क्या किया गया, कोलाइडल सॉल्यूशन में उन पार्टिकल्स को लिया गया जिनकी साइज इज फ्रॉम 10^-9 to 10^-6 नैनोमीटर, 6 मीटर। और नैनोमीटर्स की बात करें तो फ्रॉम 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर से लेकर के अबाउट 1000 नैनोमीटर। और एंगस्ट्रॉम्स की बात करें तो 10 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 10,000 एंगस्ट्रॉम्स के बीच में जिन पार्टिकल्स की साइज होगी उन्हें हम बोलेंगे कोलाइडल सॉल्यूशन के नाम से। एंड इन केस ऑफ सस्पेंशन द पार्टिकल साइज इज फाउंड टू बी ग्रेटर देन 10,000 नैनोमीटर से बड़ी साइज होगी। अगर यहां बात करें तो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 10^-6 मीटर, मीटर से बड़ी साइज होगी। और अगर एंगस्ट्रॉम से बात करेंगे तो साइज क्या होगी, 10,000 एंगस्ट्रॉम से बड़ी साइज होगी। सो द बेसिस ऑफ क्लासिफाइंग द सब्सटेंस इन थ्री कैटेगरीज इज, चीजों को तीन अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करने का जो मेन पॉइंट रहा वो क्या था, साइज, पार्टिकल्स की साइज। बहुत छोटी साइज है तो उनको हम क्या लेंगे, ट्रू सॉल्यूशन, यानी कि ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर सॉल्यूट की पार्टिकल साइज बहुत छोटी होती है, सबसे छोटी होती है, ये रेंज होगी उसको ट्रू सॉल्यूशन है। उससे थोड़ी सी बड़ी अगर हो जाती है, थोड़ी सी बड़ी साइज में अगर कन्वर्ट हो जाता है तो उसे कोलाइडल सॉल्यूशन कहेंगे, और काफी बड़ी साइज अगर पार्टिकल से हो जाती है तो ऐसे सॉल्यूशन को फिर हम सस्पेंशन के नाम से कहेंगे। तो यहाँ जो नाम पढ़े ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन, सस्पेंशन, तो इस वर्ड को सुनने से तो हमें ऐसे लग रहा है कि सॉल्यूशन क्या है, तो ये सही है क्योंकि पार्टिकल की जो साइज है वो सॉल्यूट को कंसिडर किया गया, और कब कंसिडर किया गया, जब इनका सॉल्यूशन बनाया गया, जब इनको पानी में मिलाया जाता है, जब इनका सॉल्यूशन किसी सॉल्वेंट के अंदर बनाया जाता है तब ये नाम इनके रखे। लेकिन पॉइंट ऑफ क्लासिफिकेशन क्या रहेगा, मान लिया तीनों ही चीजों के अंदर सॉल्वेंट वाटर, तो क्लासिफिकेशन का बेस क्या होगा इनके अंदर, पार्टिकल साइज होगा। सो दीज आर द थ्री डिफरेंट साइजेस व्हिच डिसाइड द थ्री डिफरेंट टाइप ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। ये तीन अलग अलग प्रकार के इसमें सॉल्यूशन बन जाते हैं। अब हम बात करते हैं डिफरेंसेस बिटवीन कोलाइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन एंड ट्रू सॉल्यूशन, पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस को लेकर। तो पहला जो पॉइंट है यहाँ पर दैट वाज अबाउट पार्टिकल साइज, तो पार्टिकल साइज का जो डिफरेंस है वो हो गया यहाँ। अब सेकेंड पॉइंट हम पढ़ते हैं नेचर को लेकर, नेचर ऑफ सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन है उसका नेचर कैसा होगा, ये कैसा होगा, इट विल बी होमोजीनियस, होमोजीनियस होगा क्योंकि इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट पार्टिकल साइज क्या है, दोनों की बहुत छोटी होती है, तो दोनों को डिफरेंशिएट करना, उनको अलग करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि दोनों के पार्टिकल साइज लगभग सिमिलर हो गए। इसके अंदर क्या हो जाएगा, इट इज आल्सो, इसके अंदर पार्टिकल साइज बड़ी होगी तो कैसा बन जाएगा, हेटरोजीनियस, यानी कि यहाँ पर जो सॉल्यूट पार्टिकल्स है इनकी पार्टिकल साइज सॉल्वेंट से बड़ी होगी तो ये अलग दिखाई देंगे, सॉल्यूट पार्टिकल्स अलग दिखाई देंगे, तो ये कैसे होंगे, हेटरोजीनियस, और यहाँ तो सॉलिड पार्टिकल की साइज होती बहुत बड़ी है तो ये कैसे होंगे, दे आर गोइंग टू बी हेटरोजीनियस, तो ये हेटरोजीनियस नेचर के होंगे। इसके बाद है फिल्ट्रेबिलिटी, फिल्ट्रेबिलिटी
फिल्टरेबिलिटी, अगर हम इनको फिल्टर करने की कोशिश करें तो फिल्टर करने के लिए इन केमिस्ट्री वी हैव टू पॉइंट्स, दो चीजें हमारे पास फिल्टर करने के लिए, एक को बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन और दूसरे को बोलते हैं नॉर्मल फिल्टर पेपर। तो नॉर्मल फिल्टर पेपर जो होता है उसकी पोर साइज बड़ी होती है और सेल मेम्ब्रेन की पोर साइज बहुत छोटी होती है। तो ट्रू सॉल्यूशन को अगर हम फिल्टर पेपर से फिल्टर करने की कोशिश करें, छानने की कोशिश करें, तो पार्टिकल्स जो होंगे वो सॉल्वेंट के साथ में नीचे की तरफ आ जाएंगे, दैट इज दे आर नॉन फिल्टरेबल, हम इनको फिल्टर नहीं कर सकते, यानी कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट पार्टिकल्स को अलग नहीं किया जा सकता इस केस में बाय यूजिंग नॉर्मल फिल्टर पेपर और ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर। अगला पॉइंट अगर हम बात करें कि सेल मेम्ब्रेन को यूज करें फिल्टर करने के लिए, तो सेल मेम्ब्रेन से फिल्टर नहीं होती है क्योंकि ये सेल मेम्ब्रेन में से पास कर जाती है, साइज बहुत छोटी होने के कारण से। इनकी बात करें तो दे कैन पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, मींस कैन नॉट बी फिल्टर्ड बाय यूजिंग फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर की साइज बड़ी होने के कारण से पार्टिकल साइज उसमें से डिफ्यूज कर जाते हैं, बट सेल मेम्ब्रेन के जो पार्टिकल सेल मेम्ब्रेन के जो होल्स होते हैं बहुत छोटे होते हैं। अगर हम इस सॉल्यूशन को सेल मेम्ब्रेन से फिल्टर करेंगे तो सेल मेम्ब्रेन विल नॉट लेट द सॉलिड पार्टिकल्स टू पास थ्रू इट, उसमें से उसको नहीं जाने देंगे, यानी कि कैन बी फिल्टर्ड बाय यूजिंग सेल मेम्ब्रेन, इसे हम सेल मेम्ब्रेन से फिल्टर कर सकते हैं, सॉलिड अलग हो जाएगा सेल मेम्ब्रेन से और सॉलिड पार्टिकल्स अलग हो जाएंगे। इसकी बात करें तो यहाँ पार्टिकल साइज बहुत बड़ी होती है, पार्टिकल साइज बहुत बड़ी होती है तो इट कैन बी फिल्टर्ड बाय यूजिंग फिल्टर पेपर, फिल्टर पेपर से ही फिल्टर हो जाएंगे, सेल मेम्ब्रेन से तो होने होने के। नेक्स्ट सेटलिंग, नेक्स्ट प्रॉपर्टी सेटलिंग, सेटलिंग का मतलब तो सॉल्यूशन बनने के बाद में जो पार्टिकल सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं क्या वो नीचे की तरफ जम जाते हैं, इस पॉइंट को हम बोलते हैं सेटलिंग प्रॉपर्टी। तो कोलाइडर ट्रू सॉल्यूशन जो पार्टिकल्स होते हैं वो इतने छोटे होते हैं कि वो नीचे की तरफ कभी जमते नहीं है, बैठते नहीं है, दैट मीन्स दे डू नॉट सेटल, वो नीचे नहीं जमते। इसके भी जो पार्टिकल्स हैं थोड़े बड़े हुए लेकिन ये भी नहीं जमने का काम करते, ये भी फिर नीचे की तरफ जमते नहीं, प्रेसिपिटेट नहीं बनाते, इसलिए दे आल्सो डू नॉट सेटल, लेकिन इनके पार्टिकल्स काफ़ी बड़े होते हैं इसलिए आसानी से नीचे की तरफ बैठ जाते हैं, दैट इज दे सेटल डाउन, ये नीचे की तरफ जम जाते हैं। अब बात करें डिफ्यूजन को लेकर के, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज अबाउट डिफ्यूजन, डिफ्यूजन की बात है तो डिफ्यूजन का अभी हमने किया था, दे कैन डिफ्यूज थ्रू द सेल मेम्ब्रेन एज वेल एज फ्रॉम द फिल्टर पेपर, दे कैन डिफ्यूज थ्रू फिल्टर पेपर बट नॉट थ्रू सेल मेम्ब्रेन, दे कैन नॉट डिफ्यूज थ्रू सेल मेम्ब्रेन एज वेल एज थ्रू द फिल्टर पेपर। नेक्स्ट इज अपीयरेंस, सॉल्यूशन जब इनका सॉल्यूशन बनके तैयार हो जाएगा तो ये सॉल्यूशन हमारे को कैसे नजर आएंगे, ये दिखा देगा ट्रांसपेरेंट, क्योंकि दोनों सॉलिड और सॉलिड पार्टिकल साइज सिमिलर है तो ये कैसे दिखाएगा ट्रांसपेरेंट, ये कैसा हो जाएगा ट्रांसल्यूशेंट, हल्का धुंधला सा दिखाई देगा, और ये कैसा होगा ओपेक, क्योंकि इसके अंदर पार्टिकल साइज बहुत बड़ी तो वो साफ सॉल्यूशन को ओपेक प्रॉपर्टी देने का काम है। तो ये बातें हुई अबाउट थ्री टाइप ऑफ सॉल्यूशंस फॉर्म एज ए रिजल्ट ऑफ द साइज ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल साइज के अनुसार ये तीन प्रकार के सॉल्यूशन बन करके हुए। Now we will have new terms. जब हम बात करेंगे कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में, क्योंकि टॉपिक इस चीज का शुरू में आ गया, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कोलाइडल स्टेट, कोलाइडल स्टेट की बात करें तो कोलाइडल स्टेट जब शुरू हो गया तो कौन से सॉल्यूशन के बारे में बात हो रही होगी, कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में। कोलाइडल स्टेट जब होगी तो एक ही पॉइंट हमें ध्यान में रखना था और वो क्या था कि जो पार्टिकल साइज होगी वो कितनी होगी, इट इज फ्रॉम 1 नैनोमीटर टू 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर और फ्रॉम 10^-9 मीटर टू 10^-6 मीटर, ये हो, ये ध्यान रखें। या एंगस्ट्रॉम्स की बात करें तो 10 एंगस्ट्रॉम्स से लेकर के 10,000 एंगस्ट्रॉम्स, ये पार्टिकल के जो सॉल्यूशन होंगे उनकी बात करें। अब हम ना ट्रू सॉल्यूशन के बारे में कोई डिस्कशन करेंगे ना ही सस्पेंशन के बारे में, ऑल ऑफ दिस रिमेनिंग टॉपिक विल बी बेस्ड ऑन कोलाइडल स्टेट ऑफ द मैटर या कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में बात होगी। तो अभी हमने किया कि जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है उस कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर जो पार्टिकल्स होंगे दे विल बी ऑफ अ पर्टिकुलर साइज, एक विशेष साइज के होंगे, और जो विशेष साइज है वो इज ऑफ दिस रेंज। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर पार्टिकल साइज को हमने फिक्स कर दिया है
उसके अंदर मिलने वाले सॉल्यूट और सॉल्वेंट के नाम को बदल दिया जाता है एंड दे आर गिवन न्यू नेम्स, डिस्पर्जन फेज, शॉर्ट में डीपी, एंड डिस्पर्जन मीडियम, शॉर्ट में डीएम वी कैन कॉल दैट। डिस्पर्जन फेज जो है ये नाम होता है सॉल्यूट का, जिसे हम सॉल्यूट बोलते हैं वही हो गया डिस्पर्जन फेज, और जिसे हम सॉल्वेंट बोलते हैं इसका नाम हो गया डिस्पर्जन मीडियम। पॉइंट ये आता है कि हम इनके दो नए नाम क्यों दे रहे हैं, बिकॉज जो सॉल्यूशन है वो तीन टाइप के हो गए, ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। तीनों ही के अंदर किस चीज का फर्क आ रहा है, पार्टिकल साइज का फर्क आ रहा है, और जिस सॉल्यूशन की हम बात करें वहां तो पार्टिकल साइज क्या हो गया, बिल्कुल ही डिटरमाइंड स्टेट में, बिल्कुल ही फिक्स्ड स्टेट के अंदर ले लिए। इसलिए यहां पर सॉल्यूट का नया नाम रख दिया गया डिस्पर्जन फेज, और सॉल्वेंट उसको हमने डिस्पर्जन मीडियम के नाम से बोला। नाउ वी विल गो विद क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस। कोलाइडल सॉल्यूशंस के क्लासिफिकेशन की बात करें, द टॉपिक इज क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। जो कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं दे आर आल्सो शॉर्टली नोन एज कोलाइड्स। हालांकि ग्राम्स के एक्सपेरिमेंट के दौरान में इसका नाम अलग हुआ था, बट नाउअडेज इट इज कॉमनली यूज फॉर कोलाइडल स्टेट। There are three methods of classifying a colloidal solution. Colloidal solution के classification के तीन तरीके हैं। First method हम करते हैं classification का based on classification of colloidal solution based on physical state of dispersion phase and dispersion medium. Dispersion phase और dispersion medium की जो physical state है, यानी कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो हम ले रहे हैं कोलाइडल सॉल्यूशन बनाने के लिए, वो सॉलिड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है, गैस फॉर्म में, बेस्ड ऑन दैट वी आर गोइंग टू क्लासिफाई द सॉल्यूशन। को सॉल्यूशन का हम क्लासिफाई करते हैं, सॉल्यूशन की क्लासिफिकेशन, कौन से सॉल्यूशन की, कोलाइडल सॉल्यूशन। देयर वी हैव एट टाइप्स, इसके आठ प्रकार के सॉल्यूशन बन के सामने आते हैं कंसीडरिंग द फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्जन। जैसे मान लो हमने डिस्पर्जन फेज ले लिया, यानी कि सॉल्यूट लिया सॉलिड फॉर्म के अंदर, और मीडियम यानी कि लिक्विड को ले लिया हमने, डिस्पर्जन सॉल्वेंट को, डिस्पर्जन मीडियम यानी सॉल्वेंट को ले लिया हमने लिक्विड स्टेट के अंदर, ये सॉलिड स्टेट में लिक्विड स्टेट में, या ये सॉलिड की वजह ये लिक्विड में हो जाए, ये सॉलिड स्टेट में हो जाए। सो जैसे जैसे इनकी स्टेट चेंज होती जाएगी वैसे वैसे करके आठ टाइप में बदल जाए, एंड दीज एट टाइप्स आर ओवर, ये आठ टाइप है यहाँ। देखिए सबसे पहला जो हमने किया है उसके अंदर डिस्पर्जन मीडियम को चेंज किया है, और जो डिस्पर्जन फेज है वो फिक्स रखा है, यानी कि सॉलिड जब सॉलिड फॉर्म में हो, तीनों ही चीजों सॉलिड फॉर्म के अंदर सॉलिड है, डिस्पर्जन फेज है, जिसमें मिलाया है उनकी स्टेट चेंज हो रही है। सॉलिड में जब हमने मिलाया सॉलिड के अंदर, डिस्पर्जन फेज सॉलिड फॉर्म में, डिस्पर्जन मीडियम सॉलिड फॉर्म में, तो ऐसे सॉल्यूशन का नाम होगा सॉलिड सॉल्यूशन। वी कॉल सच सॉल्यूशन एज सॉलिड सॉल्यूशन, क्योंकि दोनों चीजें सॉलिड फॉर्म में, इसलिए नाम हो गया सॉलिड सॉल्यूशन। इसके एग्जांपल है कलर्ड ग्लास, जो रंगीन कांच होते हैं, तो रंगीन कांच को आपने जो कांच होता है वो ज्यादा अमाउंट में होता है, तो कांच सॉलिड फॉर्म में है तो डिस्पर्जन मीडियम क्या हुआ, सॉलिड फॉर्म में, और उसमें जो रंग डाला होता है ब्लैक कलर है, ब्राउन कलर है, रेड कलर है, तो जो कलर होता है वो भी सॉलिड फॉर्म में होता है, तो डिस्पर्जन फेज हो गया सॉलिड फॉर्म में, क्योंकि वो कम अमाउंट में, इसलिए किसका काम करेगा डिस्पर्जन फेज यानी कि सॉलिड का काम। तो दोनों चीजों मिले जो सॉल्यूशन बना, इस कांच के सॉल्यूशन, कलर कांच के सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे, सॉलिड सॉल्यूशन। ऐसे होता है। अनदर एग्जांपल इज ऑफ जेम स्टोन्स, जो नग होते हैं अंगूठियों में पहने जाते हैं, उनके अंदर भी आप देखा क्रिस्टलाइन पार्ट ग्लास का होता है और कलर उसके अंदर ब्राउन ब्लू इस तरह के कलर होते हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन डिस्पर्जन फेज सॉलिड फॉर्म में, डिस्पर्जन मीडियम लिक्विड फॉर्म में, तो ऐसी चीजों को हम बोलेंगे सिंपल सॉल्यूशन के नाम से। फॉर एग्जाम्पल पेंट जो होती और सेल फ्लुइड्स, जो सेल होते हैं उनके अंदर सॉल्यूशन होता है, उसके अंदर आपने देखा होगा कि ज्यादातर तो लिक्विड होता है, और सॉलिड फॉर्म यानी कि उसमें फूड मैटर जो होता है वो कम अमाउंट के अंदर होता है, तो ये हो गए सेल फ्लुइड्स। नेक्स्ट इज सॉलिड एंड गैस,
डीपी सॉलिड फॉर्म में, डीएम गैसेस फॉर्म में, तो ऐसे सॉल्यूशन में हम बोलेंगे एरोसोल्स के नाम से। इसके एग्जांपल हो गए स्मोक डस्ट, जो धुआं होती है, धुएं के अंदर कार्बन पार्टिकल्स पाए जाते हैं, तो कार्बन पार्टिकल्स हो गए सॉलिड फॉर्म में, हवा में है, कोई गैस मीडियम का काम कर रही है यहाँ पर, ऐसे सॉल्यूशन में हम क्या कहें एरोसोल। डस्ट पार्टिकल्स को देखा, धूल मिट्टी जब उड़ती है तो धूल मिट्टी के जो कण होते हैं, मिट्टी के जो कण होते हैं, दे आर इन सॉलिड स्टेट, और वो क्या है सॉल्यूट का काम करने वाले, डिस्पर्जन फेज का काम कर रहे। तो ये हो गया एग्जांपल ऑफ एरोसोल्स। नेक्स्ट इज व्हेन द डीपी इज इन लिक्विड स्टेट, डिस्पर्जन फेज सॉल्यूट लिक्विड स्टेट में हो और स्टेट मीडियम वाली चेंज होनी है, लिक्विड सॉलिड में हो तो ऐसे सॉल्यूशन को हम जेल कहेंगे। फॉर एग्जांपल चीज पनीर को देखा हो तो पनीर मैक्सिमम कैसा होता है सॉलिड फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में उसमें जो वाटर होता है वो कम अमाउंट के अंदर होता है, तो जो कम अमाउंट में वो तो हो गया वाटर, और ज्यादा अमाउंट में हो गया वो चीज हो गया, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे वी कॉल देम एज जेल, ये जेल हो गया। अनदर एग्जांपल इज बटर, जो बटर होता है उसके अंदर भी वाटर कम अमाउंट में होता है और फैट ज्यादा अमाउंट में होता है। इसके बाद जेलीज, फ्रूट जेलीज जो होती है, दे आल्सो हैव द सेम प्रॉपर्टी। नेक्स्ट इज लिक्विड एंड लिक्विड, दोनों चीजें लिक्विड स्टेट के अंदर, वी कॉल सच सॉल्यूशन एज इमल्शंस। इसका एग्जांपल हो गया मिल्क, मिल्क के अंदर जो घी होता है वो मिक्स्ड होता है, तो दोनों ही चीजें जो बटर है इसके अंदर वो लिक्विड स्टेट में है और जो मिल्क है वो भी लिक्विड स्टेट में, तो ये क्या हुआ वी कॉल देम एज इमल्शन। या हेयर क्रीम्स जो होती हैं दे आर आल्सो इन इमल्शन फॉर्म। अब है लिक्विड एंड गैस, जिसको मिला रहे हैं वो लिक्विड फॉर्म में, जिसको मिला रहे हैं वो गैस है, तो इनको फिर से क्या नाम देंगे एरोसोल के नाम से। दे आर फॉग, जो धुंध होती है, तो धुंध के समय वाटर वेपर दे आर स्प्रेड इनटू एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर इज फिल्ड ऑफ एयर। नेक्स्ट इज मिस्ट, फॉग एंड मिस्ट, उसके क्लाउड बादलों भी ऐसे होते हैं। और नेक्स्ट इज इंसेक्टिसाइडल स्प्रे, जो दवाइयां खेतों में अंदर छिड़की जाती हैं बाय स्प्रे, तो स्प्रे जो होता है इज इन लिक्विड फॉर्म, तो लिक्विड ड्रॉपलेट्स दे आर स्प्रेड इन एयर, हवा के अंदर उनको फैलाया जाता है, तो ये हो गए एरोसोल्स। अब है गैस, जब हमारे पास में डीपी इज इन गैस स्टेट और डीएम चेंज हो रहा है, गैस और सॉलिड होता है इसको हम सॉलिड फॉर्म के नाम से बोलते हैं, बिकॉज सच सॉल्यूशन सॉलिड फॉर्म, लाइक ब्यूम स्टोन फॉर्म रबर। लास्ट इज गैस एंड लिक्विड, गैस को जब लिक्विड के अंदर मिक्स किया गया हो तो ऐसे सॉल्यूशन को फॉर्म बोलते हैं, और इसका सिंपल एग्जांपल हो गया फ्रॉथ, यानी कि झाग, चाहे वो सॉफ्ट लेदर हो, चाहे डिटर्जेंट लेदर हो, या व्हिप्ड क्रीम हो, कुछ भी हो, दे आर फ्रॉम गैस एंड लिक्विड, दैट इज दे आर फ्रॉम फॉर्म सॉल्यूशन। तो ये हो गया फर्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन की क्लासिफिकेशन का ये फर्स्ट मेथड है। सेकंड मेथड ऑफ क्लासिफाइंग इज बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ पार्टिकल्स। सेकंड क्लासिफिकेशन इट इज बेस्ड ऑन टाइप ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्जन फेज। जो डिस्पर्जन फेज है इनके बारे में बात होगी, तो डिस्पर्जन फेज के जो पार्टिकल है वो किस फॉर्म के अंदर है, या उनके बीच में जो इंटरेक्शन है वो किस फॉर्म की है, बेस्ड ऑन दैट, उसके बेस पर वी आर हैविंग सेकंड मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन या सेकंड पॉइंट ऑफ क्लासिफिकेशन। फर्स्ट इज इन दैट कैटेगरी, फर्स्ट इज मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स। मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स, एज द नेम इंडिकेट्स, नाम से पता चलता है मल्टी माने बहुत ज्यादा, मॉलिक्यूल्स मीन्स मॉलिक्यूल, बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल्स इसमें एक साथ जुड़े हुए होते हैं, दे आर फॉर्मिंग अ ग्रुप। फर्स्ट पॉइंट क्या होगी, पार्टिकल्स ऑफ साइज लेस देन 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर से भी कम साइज के पार्टिकल्स, सपोज मान लो ये हम यहां पर दिखाते हैं इस तरह से, 1 नैनोमीटर से भी कम साइज के पार्टिकल्स ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स। मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड बनते वक्त क्या होता है, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स आपस में जुड़ के बड़े साइज में कन्वर्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम इनको अगर जोड़ने का काम करें तो इस तरह से लाइक दिस दे विल एग्रीगेट, बट आफ्टर एग्रीगेशन इनके जुड़ने के बाद में जो साइज है शुड बी इन कोलाइडल सॉल्यूशन रेंज। ये कोलाइडल सॉल्यूशन में ही होते हैं, जब जो पार्टिकल जुड़ रहे हैं उनकी साइज क्या है, लेस देन 1 नैनोमीटर, यानी कि ट्रू सॉल्यूशन की साइज है, तो
तो ट्रू सॉल्यूशन की साइज जो पार्टिकल्स हैं वो ग्रुपिंग कर जाते हैं, वो गुच्छा बना लेते हैं, क्लस्टर बना लेते हैं, और क्लस्टर बनने के बाद अब इनके पार्टिकल की साइज बड़ी होगी, और बड़ी होकर के कहाँ आ गई, इन द कोलाइडल स्टेट, कोलाइडल स्टेट के अंदर आ गई। तो इसलिए हमने इनका क्या नाम रखा, मल्टी मोलिकुलर, मल्टी बहुत ज्यादा छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलकर के ग्रुप बना लिए, इसलिए नाम हो गया मल्टी मोलिकुलर कोलाइड। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड नंबर, गोल्ड नंबर में ऐसा होता है, एंड इन केस ऑफ S8 मॉलिक्यूल, सल्फर के छोटे छोटे 8 एटम्स जुड़ करके इस तरह के मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड को बनाने का काम करता है। तो ये हुआ मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड, सेकंड टाइप का, सेकंड क्लासिफिकेशन का फर्स्ट टाइप, बेस्ड ऑन टाइप ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल किस टाइप के थे, मल्टी मॉलिक्यूलर फॉर्म के अंदर थे। नेक्स्ट इज मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलाइड, मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलाइड्स, इसके भी नाम से क्लियर हो रहा है, मल्टी मॉलिक्यूलर, मैक्रो मॉलिक्यूलर मींस मैक्रो मींस लार्ज, तो इसके अंदर जो पार्टिकल्स होंगे ना दे आर ऑलरेडी इन लार्ज साइज, वो पहले से बड़ी साइज के होते अंदर होते हैं। तो फॉर एग्जांपल लाइक स्टार्च, गम, जिलेटिन, नेचुरल रबर, ये हो गए एंजाइम्स, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ मैक्रोमोलिकुलर, स्टार्च जो पार्टिकल दे आर इन लार्ज साइज, लार्ज साइज का मतलब ये नहीं है कि वो कोलाइडल स्टेट को क्रॉस कर रहे हैं, बस कोलाइडल स्टेट में, लेकिन बड़ी साइज में अगर इनके पार्टिकल्स आपस में जुड़ेंगे तो दे विल कम इनटू सस्पेंशन साइज, तो सस्पेंशन साइज, तो कहने का मतलब इसके अंदर पार्टिकल्स जो है मैक्रोमोलिकुलर साइज के अंदर दे आर इन लार्ज साइज, वो बड़ी साइज के अंदर होते हैं। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ नेचुरल फॉर्म्स, ये नेचुरली मिलने वाले मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, और मैन मेड इसके जो एग्जाम्पल है, मैन मेड एग्जाम्पल्स आर पॉलिथीन, जो पॉलिथीन होते हैं दे आर इन पॉलिथीन, जो पॉलिथीन फॉर्म में हम देखते हैं वो जब इनके पॉलिथीन मॉलिक्यूल्स बनते हैं तब, तो पॉलिथीन हो गया, नाइलॉन हो गया, they are the examples of man-made macromolecules। इसके अलावा synthetic rubber भी इसके एक example होता है, synthetic rubber, एक तो natural rubber जो rubber के पौधे से मिलता है, और जो synthetic rubber है वो भी इसी में आता है, जो natural rubber है वो natural form के examples में, ये man-made या artificial examples हैं of macromolecular colloids। Next is एसोसिएटेड कोलाइड्स, थर्ड है एसोसिएटेड कोलाइड्स और आल्सो नोन एज मिसेल्स, एसोसिएटेड कोलाइड्स और मिसेल्स, इनके अंदर क्या होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं आर इन द कोलाइडल रेंज, पार्टिकल्स मिसेल्स में ये एसोसिएटेड कोलाइड्स के अंदर आर इन द कोलाइडल रेंज, बट एट ए स्पेसिफिक टेम्परेचर एंड एट ए स्पेसिफिक कंसंट्रेशन दे कम क्लोज टू ईच अदर टू फॉर्म ए क्लस्टर, एंड दिस क्लस्टर इज नोन एज एसोसिएटेड कोलाइड्स। इस क्लासिफिकेशन के अंदर जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं वो पहले से ही कोलाइडल रेंज में होते हैं, लेकिन एक विशेष टेम्परेचर और एक विशेष कंसंट्रेशन के ऊपर ये पार्टिकल्स एक ग्रुप बना लेते हैं, और इस ग्रुप को फिर हम बोलते हैं एसोसिएटेड कोलाइड्स के नाम से। एसोसिएटेड कोलाइड्स के एग्जांपल में आता है सोप एंड डिटर्जेंट मॉलिक्यूल्स, सोप एंड डिटर्जेंट दे आर फॉर्मिंग एसोसिएटेड कोलाइड्स। अब हम सोप एंड डिटर्जेंट्स यानी एसोसिएटेड कोलाइड्स के बारे में विल हैव मोर पॉइंट्स, थोड़ा हम इनके अंदर और ज्यादा करेंगे। नाउ द टॉपिक इज सोप एंड डिटर्जेंट एसोसिएटेड कोलाइड्स और एसोसिएटेड कोलाइड्स में पॉइंट चलेगा हमारा सोप एंड डिटर्जेंट को लेकर, सोप एंड डिटर्जेंट, फॉर्मूला फॉर सोप इज आर सी डबल ओ एन ए, ये हो गया, एंड फॉर डिटर्जेंट आर
SO3NN और HSO3NN, दोनों के अंदर किस चीज का फर्क है? हेड पार्ट का फर्क है। वी आर गोइंग टू डिस्कस डिटेल्स अबाउट सोप। हम सोप के बारे में बात करेंगे। सोडो विद द डिटर्जेंट, डिटर्जेंटों का भी वही स्ट्रक्चर है, वही फॉर्मूला है, सब कुछ वही है, सिर्फ फर्क हेड पार्ट को लेकर के होता है। सो वी आर स्टार्टिंग विद सोप मॉलिक्यूल, सोप के बारे में बात करें। सो सोप जनरली आर हैविंग COONA पार्ट, RCOONA का फॉर्मूला होता है। इसके अंदर जो R है इट इज नोन एज एल्काइल चेन, इसे हम एल्काइल चेन बोलते हैं। एल्काइल का मतलब क्या हो गया? एल्क मीन्स कार्बन, यानी कि ये हो गया कार्बन चेन। तो जो R है ये कार्बन चेन है, और कार्बन चेन की जो संख्या है वो कार्बन 13 से लेकर के कार्बन 19 तो हो सकती है। इसका कोई एग्जांपल बनाना हमारे को, लाइक स्टीरियट एंड पार्मिटेट। तो R का एग्जांपल स्टीरियट मीन 17, पार्मिटेट मीन 15। तो जब 17 कार्बन तो C17 हाइड्रोजन दुगने से ज्यादा हो जाएगा, तो 34 और एक 35 हो गया, ये R बन गया। तो ये बन गया एक R। ऐसे ही पार्मिटेट के अंदर 15 होते हैं, ये हो जाएगा 15, दुगने से ज्यादा तो कितना हो गया, डबल से ज्यादा कितना हो गया, 31 हो गया। सो दिस इज आल्सो R। तो इस R को यानी कि चेन को अगर हम यहां जोड़ दें तो फॉर्मूला बन जाएगा कि C17H35COON, ये बन गया सोडियम स्टीरियट। जो फॉर्मूला है साबुन का कंप्लीट फॉर्मूला हो गया। इस एग्जांपल R तो एक जनरल फॉर्मूला रिप्रेजेंट कर रहा है, R हमने एक स्पेसिफाइड एग्जांपल ले लिया स्टीरियट एसिड का, स्टीरियट बन गया, तो बन गया सोडियम स्टीरियट। यानी ये इस केमिकल का, इस सोप का जो केमिकल फॉर्मूला हुआ, केमिकल नेम हुआ, वो हो गया सोडियम स्टीरियट। ऐसे इसको हम लगा देंगे तो फॉर्मूला बनेगी C15H31COON। तो इसका नाम हो गया सोडियम पाल्मिटेट, ये हो गया। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सोप, ये सोप के एग्जाम्पल हो गए। अब हम इसकी और प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। तो R तो हो गया कार्बन चेन, जो कार्बन चेन है इसके अंदर कार्बन बहुत ज्यादा अमाउंट में होते हैं, और जो कार्बन है दे आर हाइड्रोफोबिक इन नेचर, हाइड्रोफोबिक, क्योंकि कार्बन चेन जो होती है वो वाटर के साथ इंटरेक्शन नहीं करती है, बिकॉज कार्बन डो नॉट हैव पोलैरिटी, कार्बनों के अंदर चार्ज तो होता नहीं, चार्ज नहीं होता तो पानी में इंटरेक्शन नहीं करती है। Hence they act as hydro means water phobic means repellent, क्योंकि इनमें चार्ज नहीं होता तो पानी तरफ ये अट्रैक्ट नहीं होगी, पानी तरफ अट्रैक्ट नहीं होगी तो पानी के अंदर ये मिक्स भी नहीं होगी। तो अब इसके बाद जो पार्ट बचा है इट इज नॉन एज हाइड्रोफिलिक, इसे हम हाइड्रोफिलिक बोलते हैं। हाइड्रो मीन्स वाटर, फिलिक मीन्स अट्रैक्टिव, जो पानी की तरफ अट्रैक्ट हो, जो पानी के अंदर मिल जाए वो क्या हो जाएगा, हाइड्रोफिलिक। क्यों? बिकॉज सोडियम कैसा चार्ज रखता है, पॉजिटिव, तो ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज हो गया, नेगेटिव। तो साबुन के अंदर दो पार्ट हो गए, एक वो पार्ट जो कार्बन चेन का बना होता है लेकिन पानी से नहीं जुड़ता है, एक दूसरा पार्ट जो हेड पार्ट है, जो पोलर पार्ट है, जो पानी के साथ इंट्रेक्शन कर रहा है, उसका नाम हो गया हाइड्रोफिलिक। जब हम वाटर को, जब हम सोप मॉलिक्यूल्स को वाटर मिक्स करेंगे तो वो किस तरह का बिहेव करेंगे, लेट्स लुक एट दैट। तो R कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय जिगजैग चेन, जो R है इसे हम जिगजैग चेन से दिखा रहे हैं, और जो हेड पार्ट है उसे हमें डॉट से दिखा रहे हैं, बिकॉज हेड पार्ट छोटा होता है इसलिए इसको हमने डॉट से दिखा दिया, और जो कार्बन चेन वो बड़ी होती है तो उसको हमने जिगजैग पार्ट से या जिगजैग चेन से दिखा रहे हैं। तो ये हो गया R और ये हो गया हेड पार्ट। तो जो टेल पार्ट है यानी जो बड़ी चीज है जिसे हम क्या कह रहे हैं, टेल, टेल कैसा है, हाइड्रोफोबिक नेचर का है। जो हेड है वो कैसा हो गया, जो हेड है वो कैसा हो गया, हाइड्रोफिलिक नेचर का हो गया। ऐसे में जब सोप मॉलिक्यूल्स को वाटर के अंदर मिक्स करेंगे तो क्या होगा, टेल विल बी रिपेल्ड बाय वाटर मॉलिक्यूल्स, टेल विल नॉट गेट मिक्स्ड, जबकि जो हेड पार्ट है विल बी अट्रैक्टेड बाय द वाटर मॉलिक्यूल बिकॉज ऑफ देयर पोलैरिटी। वाटर वो भी पोलर नेचर का है, जो हेड पार्ट है वो भी पोलर नेचर का है, तो दोनों के अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो वी कैन रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन, ये होगी नॉर्मल बात, हाउ सोप मॉलिक्यूल्स बिहेव्स व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। हेड पार्ट इज पुल्ड बाय वाटर मॉलिक्यूल्स, व्हेयरएज टेल पार्ट इज रिपेल्ड बाय वाटर मॉलिक्यूल्स। व्हेन दी सोप मॉलिक्यूल्स
आर मिक्स्ड इन वाटर विदाउट एनी कंसंट्रेशन और टेम्परेचर। जब 100 मॉलिक्यूल्स को वाटर के अंदर बिना किसी कंसंट्रेशन बिना किसी टेम्परेचर के मिक्स करते हैं, दे आर मूविंग रैंडमली इनटू इट लाइक दैट वी कैन रिप्रेजेंट। हेड पार्ट नहीं भी दिखा दो, टेल पार्ट। बट व्हेन द स्पेसिफिक कंसंट्रेशन इज यूज, जिसे हम बोलते हैं CMC के नाम से, लेकिन 100 मॉलिक्यूल्स को जब एक विशेष कंसंट्रेशन दी जाए जिसका नाम हो गया CMC, नॉन एज क्रिटिकल मिशन कंसंट्रेशन, और इसकी वैल्यू होती है फ्रॉम 10^-4 टू 10^-3 मोल पर लीटर। ये कंसंट्रेशन जब 100 मॉलिक्यूल्स की लेकर के पानी मिक्स किया जाता है और एक विशेष टेम्परेचर दिया जाता है, TK मींस क्राफ्ट टेम्परेचर, क्राफ्ट टेम्परेचर। और जब 100 मॉलिक्यूल्स की सॉल्यूशन को, इसमें जो 100 मॉलिक्यूल्स हम डाल रहे हैं सॉल्यूशन के अंदर, वो कौन सी कंसंट्रेशन में, इस कंसंट्रेशन के अंदर हो, CMC कंसंट्रेशन, और सॉल्यूशन का टेम्परेचर कैसा हो, क्राफ्ट टेम्परेचर का हो, तो जो नॉन यूनिफाइड फॉर्म के अंदर जो बिखरे हुए थे इसके अंदर 100 मॉलिक्यूल्स, नाउ दे फॉर्म अ क्लस्टर, अब ये ग्रुप बना है, नाउ दे फॉर्म अ क्लस्टर। और वो कैसे दिखाओगे आप, पहले एक डॉटेड सर्कल बनाओ और इस सर्कल के बाहर की तरफ में जो नेगेटिव पार्ट होता है सॉप का, यानी कि चार्ज पार्ट जो होता है सॉप का, उसे आप बाहर रिंग की तरफ में लाइक दैट इस तरह से रिप्रेजेंट करो। उसके अंदर की तरफ में अब आप जिगजैग लाइन बना दो इसमें लाइक दैट। तो क्या हो गया इसके अंदर 100 मॉलिक्यूल्स, ये हो गया सॉल्यूशन, सॉप का सॉल्यूशन एट दीज कंडीशंस, इन दो कंडीशंस के अंदर जो सॉप नॉर्मल था अब वो एक ग्रुप बना लेता है, इसी ग्रुप का नाम होता है एसोसिएटेड कोलाइड और मिसेल्स, दिस इज नोन एज मिसेल्स और एसोसिएटेड कोलाइड्स। अब देखो एसोसिएटेड कोलाइड में क्या है, नॉर्मली 100 मॉलिक्यूल्स जो होते हैं 100 मॉलिक्यूल्स दे आर इन कोलाइडल रेंज, कोलाइडल रेंज में होते हैं, लेकिन जब इनको टेम्परेचर यानी क्राफ्ट टेम्परेचर और CMC नहीं मिलती है तो दे बिहेव नॉर्मली, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जैसे इनको क्राफ्ट टेम्परेचर क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन मिल जाती है, दे फॉर्म मिसेल्स, एक ग्रुप बना लेते हैं, इसी ग्रुप को हम बोलते हैं एसोसिएटेड कोलाइड्स के नाम से। जो क्लीनिंग एक्शन है सॉप का, जो क्लीनिंग एक्शन है इज बिकॉज ऑफ मिसेल्स, मिसेल्स आर द पार्टिकल्स विच आर इन्वॉल्व इन क्लीनिंग एक्शन ऑफ सॉप। क्या होगा इनके अंदर, व्हेन मिसेल्स मिसेल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, मान लिया जाए कोई कपड़ा है और इस कपड़े के अंदर ये कोई इसमें गंदगी लग रही है, डर्ट ग्रीस वगैरह ऑयल की गंदगी होगी, इसको क्लीन करना है, इसको साफ करना है, तो 100 मॉलिक्यूल्स का जो टेल पार्ट होगा वो आकर के इसके साथ में जुड़ जाएगा, क्योंकि डर्ट ग्रीस कैसे नेचर के होते हैं, वो वाटर में तो मिक्स होते नहीं, डर्ट ग्रीस ऑयल वगैरह वो वाटर में तो मिक्स होते नहीं, तो गंदगियां जो होंगी वो किसका काम करेंगी, हाइड्रोफोबिक नेचर का काम करेंगी, और जो सोप है उसके अंदर जो टेल है वो कैसे नेचर का, हाइड्रोफोबिक है, तो गंदगी भी हाइड्रोफोबिक नेचर की हुई और टेल पार्ट सोप का भी हाइड्रोफोबिक नेचर का हुआ, ये दोनों आपस में मिक्स हो जाएंगे, जबकि बच गया इसका सोप का हेड पार्ट, वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स की तरफ अट्रैक्ट होगा, लाइक दिस, ये मिसेल बन गया। तो यहाँ देखो 100 मॉलिक्यूल्स जो है दे आर कंबाइंड विद द डर्ट मॉलिक्यूल, गंदगी के साथ जुड़ गए, एंड वाटर मॉलिक्यूल्स विल अट्रैक्ट दिस हेड पार्ट ऑफ सॉप मॉलिक्यूल्स टुवर्ड्स देयर साइड, हेड पार्ट को पानी अपनी तरफ खींचेगा, हेड पार्ट किससे जुड़ा हुआ, टेल से, टेल किससे जुड़ा हुआ है, इंप्योरिटीज के साथ में, गंदगी के साथ में, डर्ट ग्रीस के साथ में। सो व्हेन वाटर पुल्स हेड पार्ट ऑफ द सॉप, हेड पार्ट इन टर्न पुल्स द टेल पार्ट, एंड टेल पार्ट इन टर्न डिटैचेस द ऑयल और वेस्ट मेटीरियल्स ऑफ द डर्ट और ग्रीस, इन दिस वे द क्लीनिंग एक्शन इज कैरिड बाई सॉप मॉलिक्यूल और डिटर्जेंट मॉलिक्यूल।